हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानाला। हियर इज़ पूजा चौधरी। फ्रेंड्स, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि हेल्पिंग वर्ब और उनके यूजेस, जैसे कि इज़, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, ये सब हम पढ़ लिए और उन्हें कहाँ कहाँ यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि मोडल वर्ब्स क्या होते हैं। इसे हम मोडल वर्ब्स भी बोलते हैं और मोडल वर्ब्स भी बोलते हैं, तो आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। ओके, अब हमको देखना ये कि हमारे मोडल वर्ब्स होते क्या हैं। मोडल वर्ब्स, जो शब्द बना है मोडल, वो हमारा बना है मूड से। मोडल वर्ब किससे बना हुआ है? मूड से बना है। और मूड मीन्स होता है मन की बात। ओके, तो अब मन की बात से आपको कुछ याद आ रहा होगा जो आप काफ़ी सालों से सुनते चले आ रहे हैं, मोदी जी के मन की बात। बट यहाँ मोदी जी नहीं आने वाले हैं, यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि ग्रामर के मन की बात। ओके, तो अब आप देखो कि मूड का मतलब हो गया मन की बात। तो मन की बात को एक्सप्रेस करने के लिए हम जिन वर्ब्स का या जिन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं मोडल वर्ब्स। तो मोडल वर्ब्स में आप क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्या ये आपको इंडिकेट करते हैं, वो आप देख सकते हो कि ये जो होते हैं ये हमको इंडिकेट करते हैं। इंडिकेट मतलब हो गया आपका कि बताते हैं। जैसे विश, कोई इच्छा है तो उसके लिए हम मोडल वर्ब्स ले सकते हैं। डिज़ायर, परमिशन, एडवाइस, एबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, ऐसे बहुत सारे हैं जिनके लिए हम क्या करते हैं, मोडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। अब मोडल वर्ब्स आपने देखा होगा, जैसे कि कैन हो गया, मे हो गया, कुड हो गया, शुड हो गया, ये सब आपके मोडल वर्ब्स में आते हैं। अब मोडल वर्ब्स तो आपको पता भी है कि कैन, मे और कुड, इन तीनों का मतलब होता है सकना, मतलब हो सकना। तो हमको ये देखना कि कब हम कैन को यूज़ करेंगे, कहाँ पे मे को यूज़ करेंगे और कब कुड को यूज़ करेंगे। ओके, यहाँ पे देखो आप, शुड, मस्ट और ऑट, इन सभी का मीनिंग क्या होता है? चाहिए। ओके, तो इसके बारे में भी हम अब आगे पढ़ेंगे कि हमें कहाँ पे शुड को यूज़ करना है, कहाँ पे मस्ट यूज़ करना है और कहाँ पे ऑट यूज़ करना है। बट तीनों का मीनिंग क्या होता है? सेम ही होता है, चाहिए। तो अभी आप फिलहाल एक एग्जांपल देख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिखा है यू कैन स्पीक इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश, यहाँ पे कैन आया है, तो यहाँ पे आपको क्या बता रहा है कि आप इंग्लिश बोल सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या बता दिया, ये एबिलिटी बता रहा है। ओके, नेक्स्ट है यू शुड स्पीक इंग्लिश, मतलब आपको इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो शुड हो गया, तो इसका मतलब क्या आया आपका? चाहिए। तो ये आपका क्या हो गया, ये एडवाइस दे रहा है, ये कोई आपको एडवाइस दे रहा है कि आपको क्या होना चाहिए, इंग्लिश बोलनी चाहिए। तो अब इन्हीं मोडल वर्ब से आप समझ सकते हो कि एक जगह से हमें एबिलिटी का पता चल रहा है कि जो सामने वाला पर्सन बोल रहा है वो क्या, हमारी एबिलिटी, हमारी कैपेसिटी को बता रहा है। और यू शुड स्पीक इंग्लिश, शुड से आपको समझ में आ रहा है कि वो आपको क्या कर रहा है, एडवाइस कर रहा है, सलाह दे रहा है। ओके, आप फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हो कि यूजेस ऑफ मे, मे मतलब क्या होता है, शायद। तो आप मे का यूज़ देख सकते हो ना, मे का हमें कहाँ पे यूज़ करना है, परमिशन के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी के लिए यूज़ करते हैं और विश और ब्लेसिंग्स के लिए। तो परमिशन मीन्स हमारा क्या होता है, अनुमति। मतलब आप अनुमति अगर आपको लेनी है और वो भी फॉर्मल के लिए, फॉर्मल वे में अगर आपको परमिशन लेना है, फॉर्मल में आपका आ गया जैसे स्कूल हो गया, कोई एल्डर है आपसे, ऑफिस हो गया, ठीक है, ऐसे ही। मतलब अगर फॉर्मल वे में आपको परमिशन लेना है, किसी से अनुमति लेना है, तो उसके लिए आप मे का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने फॉर्मल इसलिए मेंशन किया है क्योंकि इनफॉर्मल के लिए हम दूसरे मोडल वर्ब्स का यूज़ करते हैं। तो अभी आप देखो, परमिशन के लिए पॉसिबिलिटी मतलब क्या हो गया, संभावना, किसी चीज़ की होने की संभावना, तो पॉसिबिलिटी हो गई। और विश और ब्लेसिंग्स मतलब दुआ या आशीर्वाद देने के लिए। अब यहाँ पे जैसे एग्जांपल आप दे सकते हो, मे आई आस्क यू आ क्वेश्चन, क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। तो मतलब विद रिस्पेक्ट अगर आपको किसी से परमिशन लेना है, अपने से, बड़ों से या फिर अपने ऑफिस में, तो उसके लिए आप मे का यूज़ कर सकते हो। मतलब यहाँ पे मे आपको शो कर रहा है कि आप रिस्पेक्टफुली किसी से परमिशन ले रहे हो। तो यहाँ पे ये आपने क्या यूज़ किया, मे का यूज़ किया, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, परमिशन शो कर रहा है। ओके, सी मे कम बाई फ्लाइट। अब यहाँ पे मे है, मे का मतलब यहाँ क्या हो गया, संभावना है, शायद वो फ्लाइट से आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये संभावना शो कर रहा है, मतलब कि ये आपको पॉसिबिलिटी बता रहा है। नेक्स्ट इज मे यू लिव लॉन्ग।
आपकी उम्र लंबी हो, है ना, ऐसा हम ब्लेसिंग्स देते हैं, तो ये आपको क्या हो गया, ये आपकी विश हो गई। क्लियर? तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें मॉडल वर्ब्स में यूजेस ऑफ मे को कहाँ कहाँ पे हम मे का यूज़ करेंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कैन का यूज़। अब हमारा नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स कैन। अब हम देखते हैं कि हमें कैन का यूज़ कब करना है। तो कैन का यूज़ हम कैपेसिटी के लिए करते हैं और परमिशन के लिए करते हैं। अब यहाँ पे परमिशन हमें किस फॉर्म में लेने के लिए है, ये हम अगर इनफॉर्मल वे में अगर हमें परमिशन लेना है, इनफॉर्मल वे में, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कैन का यूज़ करेंगे। इनफॉर्मल वे मतलब कि जैसे अगर आपको आपके फ्रेंड से कोई परमिशन लेना है, या फिर अपने यंगर से, अपने छोटों से, या अपने फैमिली में छोटों से, तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, परमिशन के लिए कैन का यूज़ कर सकते हो, और कैपेसिटी के लिए कैन का यूज़। तो अब हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। फ्रेंड से मॉडल वर्ब्स हमारा बहुत ही इजी है, अगर आप वीडियो में एंड तक बने रहोगे तो आपको पक्का मॉडल वर्ब पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा और आपको कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल देख के समझते हैं कि हमें कहाँ पर मॉडल वर्ब्स का यूज़ करना है। एग्जाम्पल जैसा आप देख सकते हो, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बोल सकता हूँ, यहाँ पे क्या है, कैपेसिटी है, वो अपनी क्षमता बता रहा कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया, कैन का यूज़ किया। नेक्स्ट, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, मैं आपकी भाषा नहीं समझ सकता हूँ, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ कर लिया, कैन नॉट का यूज़ कर लिया। तो आप उनकी भाषा नहीं समझ सकते हो, मतलब ये आपके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है, या आपको उसके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है उस लैंग्वेज के बारे में, इसलिए आप उनकी भाषा नहीं समझ सकते हो। तो ये आपका क्या होगा, कैपेसिटी को शो कर रहा है कि आप नहीं समझ सकते हो। नेक्स्ट एग्जांपल, यू कैन स्टडी विद मी। अब नेक्स्ट एग्जांपल है आपका परमिशन के लिए। ये दोनों एग्जांपल किसके लिए हैं, आपके परमिशन के लिए हैं, और ये दोनों एग्जांपल क्या शो कर रहे हैं, कैपेसिटी शो कर रहे हैं। तो परमिशन के लिए कि मतलब तुम मेरे साथ पढ़ाई कर सकते हो, तो इससे आपने सामने वालों को क्या किया, परमिशन दे दिया कि मतलब तुम मेरे साथ पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये आपने क्या दिया, परमिशन दिया। कैन आई बोरो योर वॉच, क्या मैं तुम्हारा वॉच ले सकता हूँ, तो वहाँ पे भी क्या कर रहा है, वो आपसे परमिशन ले रहा है, परमिशन मांग रहा है। तो परमिशन में अगर आपको इनफॉर्मल वे में भी किसी के लिए पूछना है, तो आप वहाँ पे क्या यूज़ कर सकते हैं, मॉडल वर्ब का कैन यूज़ कर सकते हैं। अब चलिए हम अपना नेक्स्ट मॉडल वर्ब देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब आ गया है, जो है आपका कुड। तो कुड आपने जनरली सुना होगा कि कुड हम हमेशा पास्ट में यूज़ करते हैं, और ये क्या है, हमारा कुड जो होता है ये पास्ट टेंस है, किसका, कैन का, ठीक है। कुड है पास्ट टेंस ऑफ कैन। तो पास्ट का मतलब ये नहीं कि हम हमेशा ही कुड को पास्ट के लिए यूज़ करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप कुड को प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हो, ओके। तो आप यहाँ पे देखो, जहाँ पे आपको पोलाइट रिक्वेस्ट करना है, तो वहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट, एबिलिटी इन पास्ट, और नेक्स्ट है हमारा नरेशन, इन सभी के लिए हम कुड का यूज़ करते हैं। पोलाइट रिक्वेस्ट मतलब होता है विनम्रता पूर्वक आप अनुरोध करो, ठीक है। पोलाइटली किसी से कुछ करने के लिए बोलेंगे, तो वहाँ पे हम कुड का यूज़ करते हैं। और एबिलिटी इन द पास्ट कि मतलब पास्ट में जो हो चुका है, कि मतलब मैं पास्ट में ऐसा करता था, ऐसा कर लेता था, ठीक है, अब ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आपका हो गया पास्ट के लिए। अगर कुछ भी यूज़ करना है बोलना, तो आप वहाँ पे कुड का यूज़ कर सकते हो। और नरेशन के लिए जैसे एक्टिव पैसिव वॉइस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। तो और पोलाइट के लिए हम क्या बोल रहे हैं आपको, कि प्रेजेंट में भी आप यूज़ कर सकते हो, जहाँ पर आपको विनम्रता पूर्वक कुछ भी अनुरोध करना है। तो अब आप एग्जाम्पल देखो, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। मान लीजिए आप बस में बैठे हो और आप विंडो साइड में नहीं बैठे हो, और जो विंडो साइड में पर्सन बैठा है वो विंडो बंद करके बैठा है, तो आपको अगर पोलाइटली उससे रिक्वेस्ट करके बोलनी है वो विंडो ओपन करने के लिए, तो आप उससे क्या बोल सकते हो, कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो। और जब आप कुड यू प्लीज़ ओपन द विंडो करके बोलोगे, तो सामने वालों को भी अच्छा लगेगा और वो आपकी बात मान के ओपन कर भी देगा, ओके। नेक्स्ट है, व्हेन आई वॉज यंग आई कुड ईजली, यहाँ पे है आई कुड ईजली
टच माई टोज। तो यहाँ पे क्या बता रहा, वेन आई वॉज से ही आप समझ गए कि पास्ट की बात हो रही, कि जब मैं यंग था तो मैं अपने टोज को, मतलब अपने पैर के अंगूठे को ईजिली उसे टच कर सकता था, बट अब इस टाइम में, प्रेजेंट टाइम में वो उसे टच नहीं कर पा रहा। तो ये आपको पास्ट के बारे में बता रहा, इसलिए यहाँ पे क्या यूज़ हो गया है, कुड का यूज हुआ है। नेक्स्ट आप देखो, सैम सेड डैट ही कुड सिंग अ सॉन्ग। तो यहाँ पे सैम ने बताया कि वो गाना गा सकता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपका जो एक्टिव वॉइस में रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन होगा ही कैन। तो ये कैन का कौन सा फॉर्म बन गया है, कुड का, जो हम आपको जब नरेशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे बताएंगे कैसे आपको यूज़ करना है। बट अभी यहाँ आप समझ लो कि नरेशन में भी हम इसको कुड का यूज़ करते हैं। तो ये आपका हो गया पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, और ये हो गया एबिलिटी इन पास्ट, और ये आपका है नरेशन के लिए। ओके, तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट मॉडल वर्ब्स देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट हमारा है यूजेस ऑफ वुड। ये हमारा जो वुड है, वुड आप देख रहे हो, ये होता है पास्ट टेंस ऑफ विल। विल का जो पास्ट टेंस में यूज होता है वो वुड होता है। तो ये पास्ट फॉर्म है क्या, वुड। तो वुड का हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, तो वुड का यूज़ यहाँ पे आप देख सकते हो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, पास्ट हैबिट के लिए, अनपास्ट हैबिट के लिए, मतलब रिपीटेड एक्शन के लिए जो आप अपने पास में करते आए हो, ठीक है। अनरियल सिचुएशन या फिर इमेजिनरी सिचुएशन, जैसे कि काल्पनिक परिस्थिति, कुछ भी आप सोच रहे हो कि मतलब अगर मैं वहाँ होता तो आ जाता, मैं वहाँ होता तो ऐसे कर लेता। रिपोर्टेड स्पीच में आपका हो गया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। ओके, तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट से आपको एक चीज़ याद आ रहा होगा, किससे पहले भी आपने पढ़ा था कुड का, जिसमें आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए यूज़ करते थे कुड को। बट यहाँ पे डिफरेंस ये है कि यहाँ जो पोलाइट रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं उसमें इच्छा भी है, विश है, इंक्लूडिंग विश। मतलब इसमें जब आप पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे किसी से, तो इसमें आपको दो चीज़ें पता चलेंगी, कि सामने वाले की इच्छा क्या है या फिर आप उससे क्या कह रहे हो। जैसा आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो, वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सामने वाले से पूछ भी रहे हो कि मतलब उसे चाय पीनी है, और फिर अपनी तरफ से ऑफर भी कर रहे हो, उसे रिक्वेस्ट भी कर रहे हो कि आप चाय पी लो। तो यहाँ पे आपको दो चीज़ों के बारे में पता चल रहा है, एक तो इच्छा के बारे में पता चल रहा, और दूसरा आप उससे रिक्वेस्ट कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट आप देखो पास्ट हैबिट के लिए एग्जांपल, व्हेन आई वाज लिटिल आई वुड ड्रिंक मिल्क। मतलब मैं जब छोटा था तो मैं दूध पीता था, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, पास्ट हैबिट हो गया, कि मैं जब छोटा था तो हाइड एंड सीक खेलता था, मैं जब छोटा था तो शाम को प्लेग्राउंड में जाता था। तो ये आपकी रेगुलर जो हैबिट थी पास्ट में, आप जो रेगुलर करते आ रहे थे, उसके बारे में जब आपको बात करनी होगी तो उसके लिए आप वुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है अनरियल सिचुएशन, इमेजिनरी सिचुएशन, जैसा मैंने बताया कि काल्पनिक परिस्थिति। इफ़ आई वर जापान, अगर मैं जापान में होता, आई वुड मीट यू, तो मैं मिलता, ठीक है। तो ये आपका क्या होगा, इमेजिनरी सिचुएशन, मतलब वो जापान में तो है नहीं, बट वो क्या कर रहा है, एक अनरियल सिचुएशन बता रहा है। नेक्स्ट इज योर्स, सी सेड दैट शी वुड ब्रिंग मी अ स्मार्टफोन। उसने कहा कि वह मेरे लिए क्या लाएगी, स्मार्टफोन लाएगी। तो ये आपका क्या हो गया, ये रिपोर्टेड स्पीच पे आ गया, और आई वुड मीट यू ये आपका अनरियल सिचुएशन हो गया, और आई वुड ड्रिंक मिल्क ये आपका पास्ट में, और ये पोलाइट रिक्वेस्ट में वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं यूजेस आपका शुड। तो फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने जा रहे हैं शुड और मस्ट। शुड और मस्ट मॉडल वर्ब्स हमें पढ़ना है। तो शुड का यूज़ हम करते हैं एडवाइस के लिए, एडवाइस मतलब आपका होता है सलाह के लिए, ठीक है। जहाँ पे भी सलाह की बात आए तो वहाँ पे आप शुड का यूज़ कर सकते हो। एग्जांपल, यू शुड फॉलो ट्रैफिक रूल, मतलब आपको ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करने चाहिए ही चाहिए। शुड मतलब क्या होता है, चाहिए होता है, ठीक है। तो जहाँ पे चाहिए की बात आएगी वहाँ पे आप क्या यूज़ कर सकते हैं, शुड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल आप देख सकते हो, यू शुड वॉच द ज्ञानालय चैनल फॉर प्रिपरेशन। मतलब आपको कोई सजेस्ट कर रहा है कि अगर आपको तैयारी कर रहे हो तो आप उसके लिए ज्ञानालय चैनल को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट अब हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स हमारा है मस्ट। मस्ट मतलब, मस्ट का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, ऐसे तो मस्ट मतलब होता है ज़रूरी हम बोलते हैं, ठीक है। तो मस्ट का यूज़ हम कंपल्सन के लिए करते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन मतलब हो गया ड्यूटी, ड्यूटी को मतलब हम क्या बोल सकते हैं, इसे कर्तव्य बोलते हैं।
ओके क्या बोलते हैं, कर्तव्य, मतलब जो आपका कर्तव्य हो उसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे, मस्ट को यूज़ करेंगे, और कंपल्सन के लिए भी मस्ट को यूज़ करेंगे, और प्रोबेबिलिटी मतलब कि संभावना, किसी चीज़ के होने की संभावना या किसी के वहाँ होने की संभावना, उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ये मस्ट का यूज़ करेंगे। तो अब हम एग्जाम्पल से एक एक करके समझते हैं। जैसा कि आप कंपल्सन में दे सकते हो, वी मस्ट फास्टन आवर सीट बेल्ट, मतलब हमें अपना सीट बेल्ट क्या करके फिक्स करके बैठना चाहिए। तो ये आपका क्या है, ये कंपल्सन है, मतलब आपको ऐसा करना ही है। ओके नेक्स्ट, हिज फादर इज नॉट वेल, ही मस्ट टेक केयर ऑफ हिम, मतलब उसके पापा ठीक नहीं है तो उसे उनकी टेक केयर करनी चाहिए, उनका ध्यान देना चाहिए। तो ये हमारा क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, मतलब ये हमारा कर्तव्य हो गया, ये हमारा कर्तव्य होता है कि हम अपने फादर की केयर करें। नेक्स्ट इज योर प्रोबेबिलिटी में हो गया संभावना। अब संभावना में आप एग्जांपल देख सकते हो, ही मस्ट बी देयर, वो वहाँ होगा, ठीक है, वो वहाँ होगा ही, ये क्या है आपका, एक संभावना है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स, अब हमारा यहाँ पे मॉडल वर्ब्स ख़त्म होता है। और अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, ये वीडियो पसंद आया हो, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।